नमस्कार, मैं हूं यश प्रसाद और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों में। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के नैनीताल वाले घर पर पत्थरबाजी, उग्रवादियों ने आग भी लगाई। कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद के नैनीताल के घर पर आगजनी और पत्थरबाजी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक उग्रवादियों के हाथ में बीजेपी का झंडा था और वो नारे लगाते हुए घर में घुस गए। दरअसल अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या के हिंदुत्व की तुलना आतंकियों ISIS और बोको हरम जैसे संगठनों से करने के बाद से खुर्शीद हिंदूवादी संगठन के निशाने पर हैं। वर्ल्ड क्लास स्टेशन का उद्घाटन, PM बोले, आज गौरवपूर्ण इतिहास और वैभवशाली भविष्य का संगम हुआ। रानी कमलावती के नाम से गोड गौरव रेल से जुड़ा। उन्होंने कहा कि 6 साल पहले तक जिसका भी पाला भारतीय रेल से पड़ा था वो भारतीय रेल को ही कोसते हुए ज्यादा नजर आते थे। स्टेशन पर भीड़ भाड़, गंदगी, खाने पीने की असुविधा, ट्रेन में गंदगी, सुरक्षा की चिंता रहती थी। लोग चैन लेकर बैग में ताला लगाते थे, दुर्घटना का भी डर रहता था। विदेशी यात्राओं को राहत, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मन सहित 99 देशों की यात्रियों को भी भारत आने पर नहीं होगा क्वारंटीन। भारत ने सोमवार को अमेरिका, ब्रिटेन, UAE, कतर, फ्रांस और जर्मनी सहित 99 देशों के लोगों को देश में एंट्री की छूट दे दी है। इसके तहत इन 99 देशों के यात्रियों को कोरोना वैक्सीन पूरा हो गया है तो उन्हें अब यहाँ क्वारंटीन रहने की जरूरत नहीं होगी। भारत के पिछले साल मार्च में टूरिस्ट वीजा सस्पेंड कर दिए थे, जिसके बाद अब 15 अक्टूबर से चार्टर्ड प्लेन की अनुमति देकर इसे फिर से शुरू किया गया। दिल्ली में पोल्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कल तक जवाब मांगा, कहा गाड़ियां और पावर प्लांट पर सख्ती करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कल शाम तक जवाब मांगा है कि किन उद्योगों को रोका जा सकता है, किन वाहनों को चलने से रोका जा सकता है और किन बिजली यंत्रों को रोका जा सकता है और आप तब तक वैकल्पिक बिजली कैसे उपलब्ध कर सकते हैं। साथ ही वर्क फ्रॉम होम लागू करने पर भी विचार किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज और यातायात के साधन है। कुछ इलाकों में पराली का जलना भी वायु प्रदूषण में हिस्सेदार है। महंगाई से राहत नहीं, खाने पीने के सामान के दाम बढ़े। थोक महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 12.5% हुई। देश में थोक महंगाई पर अक्टूबर में बढ़कर 12.5% पर पहुंच गई है। सितंबर में यह 10.6% थी। वहीं एक साल पहले अक्टूबर 2020 में यह 1.31% थी। महंगाई बढ़ने के मुख्य कारण पेट्रोल, डीजल, खाने पीने का सामान और मेटल की कीमतों में बढ़ोतरी है। देश और दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए टुडे 24 न्यूज़।